फरीदाबाद क्यूब रूट कंपनी द्वारा प्रिंथला के गांव गदपुरी में करीब 35 लाख की लागत से बनाए गए कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन पलवल डीसी नेहा सिंह ने रिबन काटकर किया। इस मौके पर कार्यक्रम में गदपुरी टोल प्रशासन के अलावा अधिकारी, सरपंच सहित तमाम लोग मौजूद रहे। गदपुरी टोल के पास अवैध प्लॉटिंग हो रही है और उसको लेकर पहले भी मुख्यमंत्री साहब ने आदेश दिए थे कि उसे तोड़ा जाएगा, परंतु आपके जो डीटीपी हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। एक बार छोटी मोटी तोड़फोड़ की, एफआईआर दर्ज तक हुई, फिर से वही काम हो रहा है। क्या अवैध प्लॉटिंग पर रोक लग पाएगी, क्योंकि आपके पलवल डिस्ट्रिक्ट का ही मामला है? जी बिल्कुल, अवैध प्लॉटिंग के तहत हम हमेशा एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है जिसकी रेगुलर हम मीटिंग लेते हैं, रेगुलर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स नियुक्त करते हैं और तोड़ते भी हैं, फिर भी कई बार ये दोबारा भी आ जाती हैं। तो अगर ऐसा जैसे आपने ध्यान पर लाया तो डेफिनेटली हम इसको टेकअप करेंगे और इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उसके खिलाफ एक्शन लें, फिर भी अगर ये दोबारा आया है तो इस पर डेफिनेटली हम इमीडिएटली एक्शन लेंगे। एक कंसल्ट अधिकारी होता है डीटीपी जिसकी देखरेख जो होती है तमाम चीजों की, आज अधिकारी देखते नहीं है और कहीं ना कहीं काम चलता रहता है, क्योंकि आप बड़े अधिकारी, आप बार बार तो नहीं आएंगे, ये काम डीटीपी का है, परंतु डीटीपी अगर ऐसा कहीं भी है, अगर लोगों की भी शिकायत है, हमें तो कई बार ऑफिस में लोग ही शिकायत देकर जाते हैं जिससे पता चलता है कि कहीं अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है। तो आपने आज अगर जैसे आपके माध्यम से ये हमारे नज़र में आया है तो हम डेफिनेटली इस पर एक्शन लेंगे, और कोई और भी है तो हम उस पर आप हमारे ध्यान पर ला सकते हैं। एक आखिरी सवाल है मैम, कि जो रोड बनाया गया है इस अवैध प्लॉटिंग को कहीं ना कहीं संरक्षण देने के लिए, वो ग्राम पंचायत गदपुरी का है, उस पर इंटरलॉकिंग टाइल हुई तो वो भी प्राइवेट बिल्डरों द्वारा की गई, और आज जो गदपुरी पंचायत के अंदर जो होने के बावजूद भी उस पर कोई अधिकार नजर नहीं आता, मैं गदपुरी पंचायत क्या कहीं उसको? नहीं, ये तो मेरे संज्ञान में फर्स्ट टाइम, कोई नहीं, आपने ध्यान लगाया तो इस पे हम जांच करवाते हैं। अगर ऐसा हुआ है कि कहीं भी अवैध कब्जा हुआ या गलत तरीके से रास्ते का निर्माण हुआ है तो डेफिनेटली उसकी हम जांच कराएंगे और कार्यवाही करेंगे। आज जो कार्यक्रम रखा गया है, डीसी पलवल पहुंची है, क्या कुछ कार्यक्रम है किस तरीके से? ये सामुदायिक भवन, ये ग्राम पंचायत गदपुरी के निवेदन में हम लोगों ने बनवाया है और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया, क्योंकि मेंटेन भी हमको उसको करना आने वाले लंबे समय में, अच्छी क्वालिटी इसको बनाया गया है। हमारा ये मानना है कि ये पंचायत भवन गदपुरी प्लाजा के गांव के लोगों को, तो हमारे लिए भी ये कम्युनिटी में हमारा भी बनता है, इसलिए इसको बनवाया है पब्लिक के लिए। लागत इसमें आई है अब तक 35 लाख रुपए इसमें लग चुके हैं और तक 2-3 लाख रुपए लगने की आशंका है। तो बनने के बाद कितना भव्य होगा और कितना फायदा पहुंचाएगा लोगों को? भाई तो पूरा लोगों को पहुंचाएगा, लोगों को एक स्थान मिलेगा जहाँ अपने कॉमन सेलिब्रेशन कर सकेंगे और हमको भी कहीं ना कहीं फायदा होगा इसका, सामुदायिक भवन का। डीसी पलवल ने भी सराहना की आपके कार्यों की, जो भी आप कार्य करते हैं किस तरीके से देखते हैं आप उसे? मोटिवेशन मिलता है और हमें आगे के लिए प्रेरणा मिलती है, आगे भी इसी तरीके से अपने कार्य करते रहे। अगर डीसी मैडम जैसे लोग हमको प्रेरणा देंगे तो हम आगे भी कार्य करते रहेंगे।